सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित थोटलाकोंडा हिल 2000 साल पुराने बौद्ध परिसर के लिए जाना जाता है। 120 एकड़ में फैला यह बौद्ध परिसर एक संरक्षित स्मारक है जो देश के सभी हिस्सों में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ किए गए पुरातात्विक उत्खनन में 16 मनोती स्तूप, 11 रोक चट्टानें, पथरीले रास्ते, गोलाकार चैत्य ग्रह, बौद्ध विहार स्तूप और सिक्के मिल चुके हैं। ये बात 1976 की है जब भारत की नेवी थोटलाकोंडा की पहाड़ियों पर सैन्य ठिकाना खोज रही थी। नेवी को वहाँ पर सैन्य ठिकाना तो नहीं मिला बल्कि कोई 2000 साल पुराना बौद्ध ठिकाना मिल गया। थोटलाकोंडा समुद्र तट के किनारे समुद्र तल से 128 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूर है। थोटलाकोंडा तेलुगु भाषा का शब्द है। यह टोटी और कोंडा इन दो शब्दों के संयोग से बना है जिसमें टोटी का मतलब है टब और कोंडा का मतलब है पहाड़ी, यानी कि इस पहाड़ी के ऊपर बौद्ध भिक्षुओं के नहाने के लिए और पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए कई टब बने हुए हैं। आज इसे थोटलाकोंडा के नाम से जाना जाता है मगर 2000 साल पहले इसका नाम सेनगिरी हुआ करता था। ये प्रमाण यहाँ से मिले पाली भाषा में लिखे अभिलेखों से पता चलता है। सेनगिरी प्राकृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों सेन और गिरी से बना है जिसमें सेन का मतलब है शयन और गिरी का मतलब है पहाड़। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। यह कभी कलिंग का हिस्सा हुआ करता था और यह समुद्री रास्ते पर था। चीन, बर्मा और श्रीलंका जैसे देशों के साधक यहाँ पहुँचते थे। साल 1988 से 1993 का दौर था जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर गहन खुदाई की और छानबीन की। खुदाई में यहाँ पर सातवाहन काल के राजाओं के सिक्के मिले। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के भी सिक्के मिले। इसका मतलब है कि जब ये बौद्ध परिसर अस्तित्व में था उस समय भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। इसका एक बड़ा प्रमाण हाल ही में मिस्र में मिली बुद्ध की प्रतिमा से पता चलता है। इसके अलावा इस थोटलाकोंडा की पहाड़ी पर बुद्ध के पदचिन्ह भी मिले हैं। एक बड़ा सा बौद्ध महास्तूप मिला है और बौद्ध चैत्य और बौद्ध विहार मिले हैं और इसी के साथ आश्चर्यजनक रूप से बैरल के आकार के 3 वोटिव स्तूप भी मिले हैं। इस तरह भारत के नेवी सैनिकों को हवाई सर्वे में सैन्य ठिकाना तो नहीं मिला मगर वो बौद्ध सेनगिरी स्थल मिल गया जो युद्ध का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक था।